गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी दंजल और मैं जा रही हूँ मनाली वापस। सो मनाली हर साल जाने का ऐसा कुछ नियम नहीं है मेरा, मगर ये फिर से मेरे को मतलब जनवरी का वही टाइम है जब मैं लास्ट टाइम, मुझे आज भी याद है मैं इसी टाइम पे मनाली थी, बट मैं 26 तारीख के महीने पे थी। और मनाली में ना हाईवे बहुत प्यारे बन चुके हैं, रोड्स बन चुकी हैं और रास्ते बहुत प्यारे हो चुके हैं। सबसे खूबसूरत तो मुझे आज का सुबह का स्काई लग रहा है और यहाँ इतनी सुंदर वादियाँ नहीं है बट स्काई आज का बहुत खूबसूरत है। वैसे आप लोग अपना वीकेंड्स कहाँ प्लान कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने जर्नी स्टार्ट करी थी कितने बजे? 5:45 ओके। और एटलीस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी आधा रास्ता। सो गाइस हमें रूट बंद मिला क्योंकि कुछ जहाँ पे हम हाईवे क्रॉस कर रहे थे टोल के 40 रुपये के बाद पुलिस वालों ने कहा कि रास्ता बंद है आगे कुछ 9 किलोमीटर पे और रास्ता शाम को खुलेगा। अब शाम तक तो हम कहीं बैठ नहीं सकते थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो नाना नैना देवी से मंडी का रास्ता कटता है तो हम पहले जा रहे हैं आज नैना देवी और होपफुली अगर लाइन बड़ी नहीं हुई तो वी आर गोइंग फॉर नैना देवी टुडे। सो ये पहुँचते हुए हम नैना देवी की तरफ और जैसा कि हम लोग यहाँ आने में लगा अराउंड मतलब जो रूट कटवाया पुलिस वाले ने हार्डली 30 मिनट्स और वे वॉज एक्चुअली गुड। अब तो पहले से रास्ता बन चुका है। सो हम मंदिर की तरफ एंटर करते हुए मैं जब पहले आई थी तो मैं ब्लॉगर नहीं थी ना, तो आई एम नॉट रिकॉर्डेड एनीथिंग। लगभग 131 स्टेयर्स है, कंटिन्यूस वॉकिंग एंड हियर वी एंटरिंग इन द मंदिर। नैना देवी की स्टोरी तो आप सबको पता होगी, जब सती माता ने अपने आप को अपनी ही अग्नि से उसमें जला लिया था और अपनी आत्मा त्याग दी थी तब शिवजी उनको लेके इधर उधर घूम रहे थे। एक्चुअली में शिवजी जी सती माता के शरीर को लेके इधर उधर घूम रहे थे उनके वियोग में, और उस समय उनका वियोग दूर करने के लिए विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया जिससे सती माता के अंग पूरी धरती में इधर उधर गिर गए और एक अंग गिरा नैना देवी में जो उनके नैन है जिनकी आँखें हैं। सो गाइस जैसा कि हम दर्शन करके निकल चुके हैं और हमें प्रसाद में मिली जलेबी, एक काफ़ी है, बस एक काफ़ी है, एक काफ़ी है, शुक्रिया। सो गाइस ये व्यू है गोविंद सागर का, यहाँ खड़े होकर की जगह कोई जन्नत से कम नहीं लग रही इस वक्त ऐसे बिल्कुल भी नहीं भैया। सो हम ट्राई कर रहे हैं लोकल हिमाचल सॉस भी कम, भैया मेरा गला ख़राब है, ये लोकल हिमाचल का होता है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये बिल्कुल टेस्ट करो। शाम के कुछ 5:30 बजते हुए और अभी हमारा रास्ता जो है वो 4.5 घंटे का बाकी है। फाइनल रीचिंग टू द प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है। आई शो यू द प्रॉपर्टी लाइक माई गॉड इट्स लुक मार्वेलस। आई शो यू द प्रॉपर्टी लाइक टुमारो बट इस वक्त स्नोफॉल इतना खूबसूरत हो रहा है मनाली में। पहुँचते ही नीचे बारिश थी और यहाँ स्नोफॉल। सो दैट्स द रूम, दिस इज द बेड, यहाँ से पूरा मनाली दिखता है ट्रस्ट मी। बस सुबह आई मीन यू विल एबल टू सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड इस वक्त स्नोफॉल इतना खूबसूरत हो रहा है मतलब मनाली इस टाइम पे आना वर्स करता है। तो मेरे रूम में घूम रहे हो रोहतांग, मेरे रूम में घूम रहे हो। दिस इज द बाथरूम विच इज एक्चुअली ह्यूज, यू हैव द कबर्ड्स, मेरे चप्पल्स ऑल्सो। सो मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।